Hey guys, my name is Shadik and now we will start the complete tutorial of NumPy library. So when we perform advanced numerical operation like array or numerical operation, that time we will use NumPy library. So this is the definition of NumPy. So we will import NumPy library as np. Here np is the alias name of numpy, and run this. So numpy basically हम array में ज़्यादा use करते हैं, array और matrix में. जब हम advanced numerical operation perform करेंगे तब हम numpy का use करेंगे. तो हम एक array बना लेते हैं equal to np की help से, np dot array. And now we will pass some values in this array. Okay, and we can run this, or finally we will print this array. So we can get all the value of this array. So this is the basic concept, or this is basic syntax of array, NumPy array. और हम एक और एरे डिक्लेयर करते हैं जो कि हम अरेंज की हेल्प से क्रिएट करेंगे. वेल एनपी डॉट अरेंज, यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जहां से हमें वो वैल्यू चाहिए वो डाल देते हैं, कि हमें 10 से आगे की वैल्यू हमें अपने एरे में चाहिए, और कहाँ तक चाहिए वो डाल देते हैं, कि हमें 20 तक चाहिए. तो हम यहाँ पे 20 नहीं 21 लेंगे, क्योंकि जब ये रन होगा तो वो एन माइनस वन तक जाएगा. तो 21 तक जाएगा, तो 21 माइनस वन यानी कि 20. तो देख लेते हैं इसको भी प्रिंट करके, ए आर आर टू. सो नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा एक एरे बन चुका है जो 10 से 20 तक की वैल्यू को होल्ड कर रहा है. ओके और हम ये देखिए हमारे पास ये एक एरे है जो 1 से 6 तक की वैल्यू को होल्ड कर रहा है. हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग. अब हमें सपोज हमें कोई एक वैल्यू प्रिंट करानी है, लाइक ये करके देख लेते हैं. अगर तो ये नहीं होगा, इसको हम करेंगे प्रिंट के अंदर. ओके ये देखिए हमारे पास 3 आया, क्योंकि यहाँ पर जब हम काउंट करेंगे 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, तो 2 इंडेक्स पे वैल्यू हमारी 3 है, इसलिए हमारा आउटपुट 3 आया. और एक और स्लाइसिंग की हेल्प से हम कुछ और वैल्यू ले सकते हैं. प्रिंट ए आर ओपन. स्लाइसिंग में बेसिकली हम दो वैल्यू पास करेंगे, कि हमें 3 से लेकर जहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए उस इंडेक्स की वैल्यू हम इसमें इंडेक्स करेंगे. और यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, एन माइनस वन टाइम तक हमारी वो एग्जीक्यूशन रन होगी. तो यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, तो हमारी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 6 से लेकर 5 तक प्रिंट होगी. ये देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, तो इसलिए हमारे पास 3 से लेकर 5 तक की वैल्यू आ गई. और इसको और सही से क्लासिफाई करने के लिए हम एरे टू पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. प्रिंट एरे टू और इंडेक्स वैल्यू 3 से लेकर 6 तक. ये देखिए हमारे पास 3 वैल्यू आई हैं, 3 इंडेक्स वाली, 4 इंडेक्स वाली और 5 इंडेक्स वाली. 6 इंडेक्स वाली इसलिए नहीं आई क्योंकि ये जो एग्जीक्यूट करता है एन माइनस वन टाइम तक, तो यहाँ पे हमने 6 दिया है, 6 माइनस वन 5, तो 5 इंडेक्स की वैल्यू तक ये प्रिंट करेगा. तो 0 1 2 3 यानी कि 13 से लेके 4 5 15 तक ये हमें आउटपुट दे देगा. तो ये होता. और हम एरे को ऐड भी कर सकते हैं. ऐड करने के लिए सेम डायमेंशन होनी चाहिए एरे की. हम एक एरे बना लेते हैं np डॉट एरे, और इसमें वैल्यू पास कर देते हैं 5 और 5. ओके
और एक और एरे बना लेते हैं, एरे टू इक्वल टू एम्प्टी डॉट एरे, और फिर उसमें वैल्यू पास कर देते हैं 11, 12, 13, 14, 15। ओके सो हमारे पास सेम डायमेंशन के एरे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं इनके शेप। ओके से अच्छा यहाँ पे पानी चलेगा। तो अगेन हम एरे वन की शेप देख लेते हैं कि क्या हमारे एरे वन की शेप है। तो प्रिंट ये दिया और फिर एरे वन डॉट शेप। ओके और साथ ही हम प्रिंट करा लेते हैं दूसरे एरे की शेप को। तो ये देखिए हमारे पास दोनों जो एरे हैं उनकी डायमेंशन 5 है। तो हम इजीली इसमें वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक ऐड कर सकते हैं। तो वी कैन परफॉर्म प्लस ऑपरेटर। ओके और इसको हम किसी वेरिएबल में असाइन कर देते हैं और फिर आकर इस वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं। ये देखिए हमारे पास जो एरे वन और एरे टू की जो इंडेक्स वैल्यू थी वो सब ऐड होने के बाद एक न्यू एरे में ऐड हो गई है, जिसका नाम है ARR। और हम इसको रीशेप भी कर सकते हैं। अगर हमें सपोज कोई एरे है एक वन डायमेंशन, उसको अपने हिसाब से मल्टी डायमेंशनल या 2D एरे में कन्वर्ट करना, तो वी कैन इजीली कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ नमपाई। सो वी कैन क्रिएट वन मोर एरे एनपी डॉट एरे, और तो हमने यहाँ पे 9 तक की वैल्यू का एक एरे बनाया और अब हम उसको रीशेप करेंगे। तो रीशेप का हमने एक वेरिएबल बनाया और एनपी डॉट एरे वन डॉट रीशेप को हमने कॉल कर किया। यहाँ पे देखो रीशेप आ गया ऑटोमेटिक, ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि रीशेप आप यूज कर सकते हैं। अब हमें बनाते हैं इसमें 2 और 4, यानी कि 2 × 4 का हमें एक एरे बनाते हैं इसमें और फिर इसको प्रिंट करा लेते हैं रीशेप। ओके सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे हमारी वैल्यू गड़बड़ हो गई है। कोई नहीं, तो यू कैन सी दैट हमारे पास जो है एक एरे आ चुका है जो कि 2D एरे हो चुका है 1D एरे से। और हम 2 एरे को कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं, लाइक एरे एरे कंकैटिनेशन। नाउ सो हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं। एनपी डॉट एरे 1, 2, 3, 4, 5। और एक अदर एरे बनाते हैं। और यहाँ पे वैल्यू देते हैं 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 10। तो हमारे पास ये 2 एरे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको कंकेटिनेशन करेंगे। एनपी डॉट ये देखिए कंकेटिनेट, एंड फिर हम वो एरे पास कर देंगे जो हमें कंकेटिनेट करने हैं, Array1, Array2। तो हमारे पास ये आ चुका है और इसको फिर प्रिंट कर देंगे कंकेटिनेशन। और ये हमने प्रिंट किया तो ये देखिए जो हमारे पास 2 एरे थे अब वो कंकेटिनेट होकर एक एरे बन चुके हैं। सो हम डेटा को एग्रीगेट कर सकते हैं, यानी कि इस जो हम एरे होंगे उन एरे में से मीन मीडियन मोड भी
इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एरे वन इक्वल टू हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं एक नया एरे बनाकर, एरे ओके। तो हम कुछ भी वैल्यू असाइन कर देते हैं जिनका हमें मीन या मीडियन चाहिए। ओके 1 2 3 4 5 6 7 5 एंड कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 45 एंड 67 एंड 34। ओके तो हमें इन वाली वैल्यू में से हमें एक मीन वैल्यू चाहिए, यानी कि इनका मीन चाहिए। तो हम ले लेते हैं मीन, मीन वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें एन पी डॉट मीन असाइन कर देते हैं। हमें किसका मीन चाहिए? हमें एरे वन का मीन चाहिए। और फिर हम प्रिंट करा देंगे किसको? मीन वैल्यू को। ओके तो प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए 21.25 हमारे पास मीन आ चुका है इन वैल्यू का। ओके तो दिस इज द बेसिकली मीन। एंड हम इसको आगे चलकर फिल्टरिंग भी लगा सकते हैं कि हमें कुछ फिल्टर लगाने हैं अपने एरे पर। तो हम नंपाई की हेल्प से फिल्टर भी इजीली लगा सकते हैं। हम एक नया एरे बना देते हैं जो कि हम एक नया एरे बना देते हैं जो कि कुछ वैल्यू को स्टोर करेगा। ओके तो हम एरे लगाते हैं, वैल्यू देते हैं 10 10 52 एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड। ओके ये हमारा एक एरे वन नाम का बन चुका। अब हम इस पर फिल्टर अप्लाई करते हैं। हमने एक फिल्टर नाम का वेरिएबल बना लिया फिल्टर। ओके फिल्टर नाम का एक वेरिएबल बना लिया और इसमें एरे वन को हम पास करते हैं कि हमारे पास एरे वन की वो वैल्यू आ जाए जो हम यहाँ पर अब कंडीशन देते हैं कि एरे वन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए 20 से। वो वैल्यू हमारे पास फिल्टर्ड में आ जाए और हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं किसको? फिल्टर्ड को। ये देखिए हमारे पास वो वैल्यू आ चुकी हैं जो 20 से बड़ी हैं हमारे एरे वन में। तो इस फिल्टर की हेल्प से हम कुछ भी अपने एरे में फाइंड आउट कर सकते हैं और हम अपने एरे को वो सोर्ट भी बड़ी इजीली कर सकते हैं। जैसे कि एरे वन बनाया हमने और एक नया एरे दिया और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर की, रैंडम हमने कुछ वैल्यू स्टोर की। अब हम इसको सोर्ट कराना चाहते हैं, यानी कि इंक्रीज ऑर्डर में उनको स्टोर कराना चाहते हैं। तो हमने एक एरे बना लिया एरे वन और एक नए वेरिएबल में इनको स्टोर कर देते हैं। तो हमने सॉर्टेड एरे बना लिया और नंपाई की हेल्प से हम एक सॉर्ट इनबिल्ट फंक्शन होता है नंपाई का, उसको यूज करके हम इजीली इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ओके तो हमारा ये रन हो गया और अब हम प्रिंट करा देते हैं सॉर्टेड एरे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरे था जो हमने रैंडम वैल्यू के लिए बनाया था वो सॉर्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ नंपाई। और इसी तरह से अगर हम कोई वैल्यू यूनिक निकालना चाहते हो, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाहते, तो इसके लिए भी हमारा नंपाई हमें हेल्प करता है। तो हम एक एरे बना लेते हैं एनपी डॉट एरे और उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देते 1 1 1 और फिर रैंडमली। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक एरे बना दिया जो यूनिक वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो हम देखो यहाँ पे दो वेरिएबल, एक ही इनलाइन टू वेरिएबल असाइन करते हैं लाइक
यूनिक, पहला हमारा यूनिक वैल्यू। ओके, कोमा लगाने के बाद यूनिक काउंट लगा देते हैं जो यूनिक वैल्यू को काउंट करेगा। ओके, तो हमें अब इधर भी दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। पहले हम करते हैं एनपी डॉट यूनिक। ओके, यूनिक, और इसके अंदर हम दे देते हैं हमारा एरे, एरे कॉमा, जो रिटर्न होगा हमारा काउंट, रिटर्न काउंट्स इक्वल टू ट्रू। ओके, हम इसको रन करते हैं, ये इजीली रन हो चुका है, और अब हम इसको वैल्यू को जो हमने गेट की है प्रिंट करा देते हैं। यूनिक पहला वैल्यू ले लेते हैं, और फिर प्रिंट यूनिक, फिर काउंट ले लेते हैं, और अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ये फिल्टर एरे है, यानी कि यूनिक वैल्यू है, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है। और फिर यहाँ पर हमारे पास काउंट एरे है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। ओके, सो यू कैन सी दैट हमारा जो वन है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हमारा वन जो है यहाँ पर 3 टाइम रिपीट हो रहा है। टू इसी तरह टू है, इसी तरह थ्री है, और ये सब चीजें काउंट की हुई है। ओके, सो लेट सपोज हमें जो हमारे एरे के आइटम है उनको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो विद द हेल्प ऑफ नंपाई वी विल इजीली परफॉर्म दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन। सो यहाँ पे हम एक एरे न्यू एरे बना लेते हैं, एनपी डॉट एरे, और उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और फिर हम एक नया एरे वैल्यू को असाइन कर देते हैं, माई एरे इक्वल टू एरे वन, जो कि हमारी ये कुछ आइटम को कंटेन कर रहा है, और इन टू टू, यानी कि जो हमारे एरे वन के जो आइटम है वो मल्टीप्लाई हो जाए 2 से, और फिर प्रिंट हो जाए माई एरे। ओके, और आप देखेंगे कि यहाँ पे एरे आ गई है वाई। ओके, तो ये एरे बेसिकली आई है इसलिए। ओके, एरे 1 इंटू 2। ओके, एंड इफ ओके, हमने यहाँ पर एरे की जो डेफिनेशन है वो सही नहीं दे रही है, तो अब ये मेरे ख्याल से रन हो जाना चाहिए। और ये देखिए ये रन हो गया है कि 1 की 2 में इंटू करेंगे तो 2, 2 की 2 में करेंगे 4, 3 की 2 में करेंगे 6 एंड 8 एंड 10। सो इस तरीके से हम एरे के एलिमेंट को मल्टीप्लाई भी इजीली कर सकते हैं। तो ये सब था एरे के नंपाई के बारे में, और नंपाई एडवांस में करेंगे जब हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, तब हम नंपाई के और ऑपरेशन देखेंगे। ये थे एम नंपाई के बेसिक बेसिक ऑपरेशन जो हमने अभी परफॉर्म किए। ओके, बाय।